नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में जो ड्रीम इलेवन का स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों का टीम, ठीक है। और जो मैं टीम आपको बनाऊंगा, क्यों मैं इस टीम को बना रहा हूं और कौन से प्लेयर्स को मैं ले रहा हूं, उसके पीछे कौन से रीजन है, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो देखना, समझना और उसके बाद इस मैच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आते इस मैच के एनालिसिस में, मैं फाइनल कवरेज आपको इस मैच का टेलीग्राम पे दूंगा। सिर्फ इस मैच का नहीं, पूरा सीरीज और फ्यूचर के मैचेस का भी टेलीग्राम पे मिलेगा। अब एक एक प्लेयर हम लोग देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले एक मैच में इंपॉर्टेंट होता है पिच। इस पिच में मैचेस जो हुए हैं दोस्तों अब तक, उसमें हमने नोटिस किया 2 बार 200 प्लस स्कोर बना, ठीक है। 2022 में मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मैच हुआ था दोस्तों, इंटरनेशनल का मैं बात कर रहा हूं। 200 प्लस स्कोर बना कितना बार? 2 बार बना। इस ग्राउंड पे 2 बार बन चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी 200 प्लस स्कोर। मतलब ये जो वेन्यू है दोस्तों, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैच हुआ था दोस्तों, उसमें साउथ अफ्रीका ने विन किया था। क्विंटन डिकॉक का बड़ा इनिंग्स था, प्लस 100 रन था रिली रोसो का। इंडिया चेस नहीं कर पाया। डेफिनेटली अगर कोई टीम 227 चेस करेगा तो वो कोलैप्स करेगा। इंडिया 178 तक पहुंचा। इससे पहले भी दोस्तों एक बार यहाँ पे 200 रन बना। तो ये जो ग्राउंड है आपको ड्रीम इलेवन पे दिखेगा 132 एवरेज स्कोर है, ये गलत है। ये डोमेस्टिक का बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इंटरनेशनल देखेंगे, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक है। आते अभी एक एक करके पॉइंट में। देखो इंडिया में अभी ओस मतलब ड्यूस दोस्तों गिरेंगे, तो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग स्लाइटली इजी होगा। बट हाँ, 200-220 बन गया तो डेफिनेटली तब तो दिमाग काम ही नहीं करेगा ना आपका, कि इतना बड़ा स्कोर कैसे हम लोग चेस करें। अब एक एक प्लेयर एनालिसिस में आते हैं। देखो रोमनुल्ला गुरबाज ना इंडिया के अगेंस्ट समा अच्छा खेल लेता है, ठीक है। और इसको ज्यादा लेफ्ट आर्म सीमत से प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शायद वर्ल्ड कप में इन्होंने एक अच्छा नॉक खेला था, ये अच्छा खेल लेता है, इसको रखो। बट एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो प्लेयर है ना, ये सबसे बड़ा पनौती है मेरा, ये रहमानुल्लाह गुरबाज। ये हमेशा दोस्तों मेरा अगेंस्ट ही खेलेगा, ठीक है। बट मैं रख रहा हूं, आपको भी सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग खेलोगे तो रखना है, ठीक है। संजू सैमसन शायद नहीं खेलेंगे, मैं मान के चल रहा हूं कि ये नहीं खेलने वाले, मैं नहीं ले रहा हूं फिलहाल। आफ्टर टॉस खेलता है तो ट्राई कर सकते हो, बट डेफिनेटली पोजिशन मैटर करेगा। बहुत ही सॉलिड प्लेयर है दोस्तों। इंडिया आई थिंक नहीं दोस्तों, इंडिया डोमिनेट करेगा, चेस करेगा तो और भी ज्यादा इजीली चेस करेगा, ठीक है। बैट पर संजू को लेना है तो ले सकते हो, स्पेशली वन डाउन खेलता है तो सेकंड इनिंग्स में भी ले सकते हो। बट अगर 2 डाउन 3 डाउन खेलता है तो बैट फर्स्ट लेना। 2 डाउन तो नहीं खेल पाएगा, शिवम दुबे खेलेगा 2 डाउन। जितेश शर्मा दोस्तों आपको खेलते हुए दिखेंगे, इसको लेना चाहिए जितेश शर्मा को? मैं मानता हूं दोस्तों जितेश शर्मा को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। रेस्ट यू कैन डिसाइड। लास्ट मैच में दोस्तों इंडिया के लिए जितेश शर्मा ने बहुत ही बढ़िया नॉक खेला था, हम सबको पता है दोस्तों, 3 डाउन बैटिंग करते हुए, और ये फील्डिंग से कीपिंग से भी पॉइंट्स दिया था, इसलिए 60 पॉइंट्स जो दिख रहा है ना, इसमें इनका रन कितना है पता है आपको? इनका रन है कुल मिला के 31 रन है, ठीक है। बाकी इन्होंने फील्डिंग से पॉइंट दिया, एक स्टाम्पिंग का पॉइंट दिया था। फिलहाल मैं नहीं लूंगा, ठीक है, जितेश को। बैट फर्स्ट हुआ तो ट्राई करना है तो करो, क्योंकि इस मैच में ना मोस्ट प्रोबेबली कमबैक करेगा विराट कोहली। मैं आपको 100% नहीं बता पा रहा हूं, बट मोस्ट प्रोबेबली इनको कमबैक करना चाहिए। तिलक वर्मा लास्ट मैच में ऐसे भी नहीं खेल पाया था, तो डेफिनेटली विराट भैया खेलेगा तो ये हमारे लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, ठीक है, और मेरा पसंदीदा प्लेयर भी। रोहित शर्मा दोस्तों मत छोड़ो, लास्ट मैच में ये रन आउट हुआ था, इनका कोई गलती नहीं था, और देख के लगा था ना आपको कि अटैकिंग खेलेंगे, जैसे कि वर्ल्ड कप में खेल रहा था ना, घुमा के खेल देंगे दोस्तों शुरू से अटैकिंग क्रिकेट, और ये टिक गया। चेजिंग हुआ 140-150 का, अगर चेजिंग हुआ ये अकेले 70-80 बना देंगे दोस्तों, वो 40-45 बॉल में मैच वहीं पे खत्म। रोहित शर्मा बाई डिफॉल्ट है, और कैप्टन भी बना सकते हो। चेजिंग हुआ तो और भी ज्यादा, और बैट फर्स्ट में भी बना सकते हो, ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। शुभमन गिल को रखना पड़ेगा, मुझे लगता है इस मैच में आपको ना इनसे बड़ा नॉक दिखेगा। देखो ये मैच में ये अगर अच्छा नहीं खेला ना, ये आ जाएंगे यशस्वी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट, अपने करियर में सबसे इंपॉर्टेंट नॉक खेलने वाले शुभमन गिल T20I में, ठीक है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। देखो उसके बाद रिंकू को बैटिंग फर्स्ट ले सकते हो, फिनिशिंग करेगा, बट ये आपको ना फैंटेसी में जो ग्रैंड लीग है ना उसमें चेंजर है, ग्रैंड लीग में गेम चेंजर है। देखना अक्सर ये ड्रीम टीम का पार्ट बन जाता है, कैचेस लेंगे, डीप मिड विकेट में फील्डिंग करेगा, कवर में फील्डिंग करेगा, प्लस ये बैटिंग से पॉइंट देगा। बट ये एक ऐसा प्लेयर है जो फैंटेसी में ड्रीम टीम का पार्ट बनेगा, बट स्मॉल लीग में आप किसकी जगह रखोगे वो आपको पता नहीं है, तो ग्रैंड लीग में इनको यूज करना। मैं आपको बताया था, मैं ग्रैंड लीग का पीटी अपडेट भी दूंगा इस वीडियो में, तो ये ग्रैंड लीग में गेम चेंजर है बैटिंग फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा नहीं, ये 20 बॉल में 45 रन बना के चला जाएगा। ये 20 बॉल में 35 रन बना के चला गया, 2 कैच पकड़ लिया डीप मिड विकेट एंड कवर में दोस्तों, बात खत्म। 16 और इधर 45 में से शायद 60 पॉइंट मिलेगा, 4 छक्का ज्यादा होगा, 70-80 पॉइंट ये ऐसे दे जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में फील्डिंग करता है।
हजरत जजाए खेलेगा तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि शुरू में ना मुझे लगता है इस मैच में अगर अर्शदीप और मुकेश दोनों खेला आवेश आ सकता है इस मैच में, ये ग्राउंड बैटिंग फ्रेंडली है और इसमें स्पिनर कम पेसर ज्यादा खेल सकता है, बट स्टिल अगर आवेश नहीं भी आया तो भी इसको मुश्किल होगा शुरू में पेस करना, और इस मैच में अर्शदीप अच्छा बॉलिंग करेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। तिलक वर्मा दोस्तों अच्छा प्लेयर है बट अभी के लिए मैं इस मैच में इनको नहीं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये शायद ड्रॉप भी हो जाए इस मैच में मुझे दिख रहा है। अगर ये बॉलिंग नहीं करते जो इन्होंने लास्ट मैच में नहीं कराया था तो जरूरत ही नहीं है टीम में इनको रखना, क्योंकि इनके पास इंडिया के पास ऑलरेडी दो लेफ्टी है, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, और जो वर्ल्ड कप में भी शायद दोनों बंदा जाएगा, रिंकू सिंह तो 100% जाने वाला है, शिवम भी जा सकता है। इब्राहिम जदरन मैं टीम में रखूंगा, ये इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, टेक्निकली साउंड बैटर है, बट लास्ट मैच में दोस्तों ये थोड़ा ना प्रॉब्लम हो रहा था इनको बैटिंग करने में अगेंस्ट अर्शदीप, ठीक है। नजीब जदरन फिलहाल मैं नहीं लूंगा, और ये ना लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट ना थोड़ा इसको प्रॉब्लम होता है, गुरबाज को नहीं होता है, ये बात याद रखना। नजीब को नहीं लूंगा, रहमत शाह ये इसका फॉर्मेट नहीं है। अक्षर पटेल मस्ट पिक प्लेयर क्या है, यस डिसेंट है, बट लास्ट मैच में जो ग्राउंड से हो रहा था दोस्तों उसके मुकाबले यहाँ पे दोस्तों बैटिंग करना ज्यादा इजी है, तो रिस्क लेके अक्षर को ड्रॉप करना है तो कर सकते हो दोस्तों, नॉट अ बैड चॉइस, फिलहाल रखूंगा। मोहम्मद नबी अगर अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है स्मॉल लीग में लेके चलूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो रीजन समझ लो, ठीक है, ये मैं क्या ओपन कर लिया, दो रीजन समझो, अगर अफगानिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट किया तो एक तो ये बैटिंग से पॉइंट देगा, और सेकेंड इनिंग्स में दोस्तों इंडिया के पास मिडल ऑर्डर में कौन है, दुबे खेलेंगे 100%, प्लस दोस्तों कौन है दोस्तों इंडिया के पास एक और रिंकू सिंह, दोनों क्या है दोस्तों लेफ्टी बैटर है, बॉलिंग करेगा, और विराट कोहली आरसीबी के लिए दोस्तों याद है एक बार इन्होंने शायद 4 विकेट लिया था आरसीबी के अगेंस्ट, विराट को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इनके साथ, ठीक है, क्योंकि इनका जो लाइन लेंथ है ना वो थोड़ा अनकंफर्टेबल वाला है, ठीक है, एकदम से नॉर्मल ऑफ स्पिन बॉलर है जो दिक्कत देता है, जैसे कि नथन लियोन उनका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, इनका बाउंस अच्छा मिलता है इन लोग को, ठीक है, ड्रिफ्ट अच्छा होता है, ये मैं बैटिंग फर्स्ट इनको जरूर रखूंगा, बैटिंग सेकेंड होता है तो इनके जगह किसी डेथ बॉलर को ट्राई कर सकते हो, बट बैट फर्स्ट मत ड्रॉप करना, ओके। उमर जाय इनको तो बोथ कंडीशन रखो, और ग्रैंड लीग में ना कैप्टन बनाओ, इंडिया के अगेंस्ट ही अक्सर खेलता है, अच्छा खेलता है, लास्ट मैच में ये विकेट थ्रो करके आया था, बॉलिंग से भी विकेट निकालेगा, दिमाग से खेलता है, और इंडिया को मतलब समहाउ ये अच्छा खेल जाता है इंडिया के अगेंस्ट, गुरबाज भी अच्छा खेल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से करीम जन्नत नहीं लेने वाला, गुलबदीन नैब नहीं लेने वाला, कोई बांग्लादेश जैसे टीम के अगेंस्ट होता ना मैं नैब को लेता, इंडिया के अगेंस्ट नहीं लूंगा, ठीक है, कैचेस वैचेस ले लेंगे बट स्टिल मैं नहीं लूंगा, ग्रैंड लीग में लेना है तो लो, स्मॉल लीग में मत लो। वाशिंगटन सुंदर ग्रैंड लीग चॉइस रहेगा, लास्ट मैच में दोस्तों वाशी ने अपना ओवर कंप्लीट नहीं कराया था, ये बात नोटेबल है, ठीक है। शिवम दुबे डेफिनेटली अभी तो मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों, बराबर शॉट मारेगा। अर्शदीप इस मैच में मैं रखूंगा, ये फर्स्ट इनिंग्स हो सेकेंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स में तो जहर पी गए, सेकेंड इनिंग्स में भी रखूंगा, हर बार डेथ बॉलर विकेटलेस नहीं जाता है। यहाँ से दोस्तों मैं मुकेश को भी रखूंगा, ये बढ़िया प्लेयर है, और मुकेश बॉल फर्स्ट बहुत जरूरी है, डेथ करता है और दोस्तों यॉर्कर अच्छा करता है, ठीक है, सेकेंड इनिंग्स में भी ले सकते हो, फर्स्ट इनिंग्स में रखूंगा। देखो अगर समहाउ इनका बैट फर्स्ट इनिंग्स में हो गया ना, क्या ही ओपन हो रहा है दोस्तों, रवि बिश्नोई अगर खेलता है दोस्तों एक अच्छा डिफेंशियल प्लेयर बनेगा इंडिया का, इसको यूज कर सकते हो आप चाहो तो। रशीद नहीं खेलने वाला मोस्ट प्रोबेबली, कुलदीप यादव शायद नहीं खेलेगा, इंडिया से चेंज होगा तो मुझे लगता है बिश्नोई ऐड हो सकता है वाशिंगटन सुंदर के जगह, अगर बिश्नोई ऐड हुआ ना तो ये आपको 4 ओवर करते हुए दिखेगा, बहुत ही सॉलिड प्लेयर रहेगा उस कंडीशन में, मोस्ट प्रोबेबली दुबे का ओवर कट होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर रवि बिश्नोई खेला दुबे का इंपॉर्टेंस लेस होगा, उसको कैप्टन मत बनाना वैसे में, ठीक है। बिश्नोई बहुत ही सही प्लेयर है, खेलता है तो ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक और प्लेयर बच गया, मुजीबुर रहमान नवीन उल हक, नवीन बॉलिंग फर्स्ट ले सकते हो, ये डेथ में करने वाले हैं दोस्तों, नवीन उल हक बॉलिंग फर्स्ट सही है, बॉलिंग सेकंड उतना सही नहीं है, मुजीबुर रहमान इनको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। लास्ट मैच में दोस्तों मुजीब ने एक जितीश का विकेट निकाला था और एक निकाला था गिल का, गिल तो निकल के मारने का कोशिश किया था, आउट हो गया था, और जितेश भी कैच आउट हुआ था, तो शायद मैं अभी मुजीब को ना लूं, आप चाहो तो इनको रख सकते हो, मैं शायद ना लूं, ठीक है। अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है इंडिया का, मुकेश और अर्शदीप खेला तो दोनों इंपॉर्टेंट, और रवि बिश्नोई ये गेम चेंजर होगा कल इंडिया के लिए बॉल फर्स्ट स्पेशली, ठीक है। नूर अहमद शायद ना खेले, कैसे अहमद शायद ना खेले, फैजल फारूकी ग्रैंड लीग चॉइस, बॉलिंग फर्स्ट लेना है तो लो, आवेश खान अगर खेलता है तो ट्राई कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस, ऐसा मुझे लगता है ना इस मैच में एक चेंज कर सकते हो, रिस्की कॉल है। अक्षर की जगह ना अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है इंडिया का, बिश्नोई खेलेगा मुझे लग रहा है, मन कर रहा है दोस्तों इस मैच में भी बिश्नोई खेलेगा, लास्ट मैच में बिश्नोई विकेट लेस था बट बिश्नोई खेलेगा, मुझे मन कर रहा है, और इस मैच में शायद बिश्नोई दोस्तों आपके लिए ना
एक गेम चेंजर हो। लास्ट मैच में बहुत पिटाई हुआ था, बट ये प्लेयर ना विकेट टेकर है, इसको ले सकते हो दोस्तों डिफरेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे हो गया कौन, एस अशरफ, एफ मलिक, एस सफी, ये लोग नहीं खेलेंगे और खेलने से भी मैं नहीं लेने वाला। फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम, जिधर दोस्तों मेरा कैप भी इसी समझ लो, इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, विराट कैप्टन बन जाएगा मेरा, इंडिया बैट फर्स्ट करेगा, विराट मेरा स्ट्रेट अवे कैप्टन बन जाएगा और रोहित शर्मा बीसी बन जाएगा। अगर इंडिया चेस किया तो दोस्तों रोहित मेरा कैप्टन बन जाएगा और यहाँ से दोस्तों शिवम दुबे जनता का वीसी है, बट दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इनका ओवरकट हो सकता है, एक तो बिश्नोई ओवर कंप्लीट कर सकता है खेलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बिश्नोई की जगह कुलदीप आ सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ पे ऐड हो सकता है कि दुबे का अगर विराट कोहली आया तो बैटिंग से भी रोल थोड़ा रिड्यूस हो सकता है क्योंकि विराट कोहली के थ्रो करके नहीं आएगा, वो अच्छा प्लेयर है, और इंडिया चेस करेगा तो दुबे का और रोल रिड्यूस होगा, तो शायद दुबे बैटिंग फर्स्ट अगर होता है तो रोहित के साथ कैपबीसी बनाऊं आओ, या फिर दोस्तों विराट के साथ दुबे को कैपबीसी बनाओ, इंडिया बैट फर्स्ट कर रहा है बट इंडिया अगर चेसिंग कर रहा है वैसे मैं रोहित को ही मैं कैप्टन बनाऊंगा। वीसी आप विराट को बना सकते हो या फिर मैं मुकेश या फिर रजदीप से किसी एक को बनाऊंगा, क्योंकि इस मैच में हो सकता है अफगानिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेले क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, लास्ट मैच में वो बहुत धीमा क्रिकेट खेला था और वो गलती शायद इस मैच में नहीं करेगा, बहुत सेल्फिश क्रिकेट खेलता है, सच बता रहा हूँ, इब्राहिम जदरान प्लेयर अच्छा हो सकता है बट बहुत सेल्फिश क्रिकेट खेलते हुए दिखेगा, अफगानिस्तान के ज़्यादातर प्लेयर रहमत शाह, इब्राहिम जदरान दोस्तों ये सब सेल्फिश का सेल्फिश क्रिकेट खेलता है, इनको स्ट्राइक रेट हाई करना चाहिए बट नहीं, ये एवरेज हाई करता है, मतलब नहीं है दोस्तों T20 क्रिकेट में एवरेज हाई करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे ना सैम अयूब को पूछा था कि बोला गया था कि बाबर आजम के बारे में सब गलत बोल रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो है, ऐसा कुछ बोला, ठीक है, वो दानियल कुछ ऐसा दानिश क्या नाम है, मैं उनका नादिर अली पॉडकास्ट में देखा, बाबर आजम थोड़ा स्लो खेलता है ऐसा सब बोल रहा है, तो उनसे सैम अयूब से पूछा गया आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जो एंकर था ना वो खुद बोला कि एवरेज मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है, तो एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंकर बोलने के बाद भी उनके उसका दिमाग खा रहा था सैम अयूब का, सैम अयूब ने बोला नहीं मेरे लिए स्ट्राइक रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों डेफिनेटली वो फॉर्मेट मैटर करता है कौन से फॉर्मेट में आप खेल रहे हो, इस फॉर्मेट में आपको हाई स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, इब्राहिम जदरान का एवरेज हाई हो सकता है बट इतना धीमा क्रिकेट खेलेगा तो हर बार अफगानिस्तान हारेगा जब जब वो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, वो विराट नहीं है कि बाद में वो पेस कर सकता है इनिंग्स को, स्ट्राइक रेट हाई कर देता है, जैसे कि विराट कोहली आपको पता है 140-150 में फिनिश होता है इसका इनिंग्स पूरा खेलने के बाद, बट ऐसा नहीं होता इब्राहिम के साथ, तो इब्राहिम जदरान को फर्स्ट खेलना पड़ेगा और अफगानिस्तान फर्स्ट खेलने की कोशिश में पक्का विकेट लॉस करेगा, तो अच्छा कैपबीसी बनेगा हर्षदीप मुकेश अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट किया वैसे में तो दोस्तों विराट रोहित कैप्टन या फिर दोस्तों दुबे को वीसी बना के विराट को कैप्टन बना सकते हो, बट अगर चेजिंग किया इंडिया ने तो दोस्तों रोहित ही मेरा कैप्टन बनेगा और वाइस कैप्टन आइदर विराट या फिर दोस्तों यहाँ से किसी बॉलर को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, और एक ग्रैंड लीग वाला टीम में ना आप इसको बना लेना, क्या ही ओपन हो रहा है बार बार, इसको कैप्टन बना सकते हो, ये इनिंग्स इनके लिए इनके लाइफ के लिए अगर ये बंदा खेला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और वाइटल और इंपॉर्टेंट इनिंग्स होने वाला है। लेट्स सी इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और कवरेज हुआ, स्मॉल लीग का तो मैंने यहाँ पे अपडेट्स दे दिया, ग्रैंड लीग्स का इफ पॉसिबल मैं आपके साथ टीम शेयर करूंगा, और हाँ अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे T20 भी हम लोग कवर करेंगे और उसका भी वीडियो मिलने वाला है, तो गाइस आप अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और जुड़ जाओ टेलीग्राम, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे।